तो गाइस सुबह सुबह मैं मेरी बाइक लेकर के दूध लेने जा रहा था, लेकिन रास्ते पर मुझे दो लड़कियां दिखी जिनकी शायद कार खराब हो गई थी। तो मैंने फिर बाइक पीछे ली और उनसे पूछा कि क्या कोई हेल्प चाहिए क्या। हाँ, हमारी गाड़ी खराब हो गई है और हमें जल्दी एयरपोर्ट जाना है, क्या आप मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ दोगे क्या? तो मैंने कहा दोस्तों कि हाँ छोड़ दूंगा, लेकिन सिर्फ एक को, क्योंकि मेरी बाइक पर सिर्फ एक ही जन आ सकते हैं। ओके, आप मुझे छोड़ दो, ये मेरी असिस्टेंट से बाद में आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों मैं लड़की को बाइक पर बिठाया और एयरपोर्ट के लिए मैं वहां से निकल पड़ा। उसके बाद दोस्तों मैं एयरपोर्ट पहुंच गया और हम लोग डायरेक्ट एंट्री गेट से यहां पर एंट्री कर लिए हैं। और वहां पर पहुंचते ही दोस्तों मैंने देखा कि वहां पर बहुत ही शानदार एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, पीछे चार सुपर कार्स भी हैं और दो सिक्योरिटी गार्ड भी, जिनके साथ एक बहुत ही अमीर इंसान भी देखने को मिल रहा है। तो ये सब कुछ देखकर मैं काफी शॉक हो गया। लड़के से पूछा, भाई क्या हुआ, ये सब कौन है? तो लड़की तो भाई फटाफट जाकर हेलीकॉप्टर में बैठ गई। मैंने उससे पूछा कि ये सब कौन है और क्या हो रहा है, तो उसने कहा कि ये मेरे पापा हैं और ये बहुत बड़े गैंगस्टर हैं, तो आप एक काम करो, जाओ उनसे बात करो, मुझे फटाफट मीटिंग के लिए निकलना है। तो गाइस इतना सुनते मैं तो काफी शॉक हो गया, लेकिन यहाँ पर चार सुपर कार रखी हुई थी, मेरी नजर उनसे हट ही नहीं रही थी। यहाँ पर लड़की का जो बाप था जो गैंगस्टर है मुझसे बात करने लग गया और कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मेरी लड़की को यहाँ तक ड्रॉप किया है, तो मांगो तुमको क्या मांगना, तुमको क्या चाहिए? तो मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपके पास बहुत सारी सुपर कार्स हैं। उसने कहा कि तुम्हें जो भी सुपर कार चाहिए तुम यहाँ से एक ले लो। तो गाइस इतना सुनते मैं फटाफट पीछे की तरफ भागा और यहाँ पर गाइस मुझे तो एक नजर में एक कार पसंद आ गई थी, ग्रीन वाली, तो मैं तो इस ग्रीन लैम्बोर्गिनी कार को ले रहा हूँ। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि मैंने इस लड़की की मदद करके सही किया या गलत।